सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम योग में एक बहुत ही विशेष प्राणायाम है जो आपके अनिद्रा का रोग, नींद नहीं आती, जिनको तनाव रहता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी हाई रहता है, रात को बहुत अधिक स्वप्न आते हैं या मन में अस्थिरता है, कोई काम आप शुरू करते हैं, शुरू करते ही उस काम के प्रति नेगेटिविटी आने लगती है आपके भीतर, तो ऐसे सभी लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही लाभ देने वाली होगी। तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सभी लोग इसको कर सकते हैं। विधि सही होगी तो लाभ अधिक होगा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत विधि से भी भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, आप लाभ से वंचित हो जाओगे, जो इसके लाभ हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से सुने, देखें और फिर उसको अभ्यास में लाएं। तो भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर की तरह गुंजन, इसके नाम से ही विदित हो रहा है, भ्रामरी भ्रमर का एक गुंजन करना है, एक नाद करना है। ये नाद योग में इसका बड़ा ही प्रयोग किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम का। नाद योग की जो साधना करते हैं वो भ्रामरी प्राणायाम से ही प्रारंभ करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर की तरह गुंजन करना है आपको। अपने फर्स्ट फिंगर, दोनों हाथों की पहली उंगली को अपने फोरहेड पर रखें, बाकी तीनों उंगलियों को इस प्रकार से अपनी आँखों के ऊपर रखें। आँखों पर हल्का सा यहाँ जो आईब्रो के मध्य, आँखों के बेस में यहाँ हल्का दबाव बनाएं और अपने छोटी उंगली को नासिका के अग्र भाग के पास रखें। इस प्रकार से अंगूठों से कानों को बंद करना है। बाहर कानों को, अंदर अंगूठे नहीं डालें, बाहर से ही कानों का जो कैप होता है, जो बाहर से ही उसको दबाएंगे तो कान बंद हो जाते हैं। अब आगे आपको करना क्या है, इसको ध्यान से देखें, सुने। आपको अपने होठों को मिलाना है और जबड़ों को खोल के रखना है। जब हम श्वास भरेंगे धीरे से अपनी नासिका से, तो भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे, ओम का नाद करेंगे अपने नासिका से। तो नाद जब होगा तो एक वाइब्रेशन होगी आपके होठों के भाग पर, आपके पूरे सिर भाग पर, और ये वाइब्रेशन हृदय से स्पंदित होते हुए पूरे सिर भाग में आपके अनाहत चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक इसका एक प्रभाव पड़ेगा। तो किस प्रकार से होगा आप देखिए, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्वास लिया धीरे से, इस प्रकार से श्वास को सहजता से अंदर लिया, ओम का नाद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ा, पूरी वाइब्रेशन को फील करो। जब वाइब्रेशन होगी तो आपका हृदय से एक स्पंदन होगी, आपके नाहत चक्र से एक वाइब्रेशन उठते हुए पूरा आपके सहस्रार सिर भाग तक पूरा प्रभावित करेगी, इससे आपके न्यूरॉन प्रभावित होता है और ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में गांठें हो जाती है, सेल्स स्टिमुलेट होने लगती हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से। तो जो गांठें हैं, जो अवरुद्ध आए हुए हैं आपके ब्रेन में, वह भी खुलने लगते हैं। कितना भी तनाव हो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करो, कितनी भी नेगेटिविटी हो
और इसके पश्चात आप इसे कम से कम 7 से 11 बार और अधिक अभ्यास करने के बाद 21 बार तक इसका अभ्यास करो। आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा। ये एक साधना है, साधना निरंतर होती है। मिनिमम 7 बार से प्रारंभ करते हुए 21 बार तक आप इसे करें, उससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। आपका जितना मन लगने लगे आप उसको बढ़ाते जाओ। तो भ्रामरी प्राणायाम ये एक बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है योग में, और आपके डिप्रेशन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। साथ में आप ब्रह्मी और शंख पुष्पी, ब्रह्मी और शंख पुष्पी की टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन अगर आप इसको जड़ी बूटी फॉर्म में, इसको रो फॉर्म में लें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लगभग आधा चम्मच ब्रह्मी और आधा चम्मच शंख पुष्पी पाउडर और एक छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, इनको आप मिलाकर पानी में बॉयल करें, चाय की तरह इसको उबाल लें। जिनको डिप्रेशन है वो उबलने दें, ढककर उबालें थोड़ा। जब आधा रह जाए उबलते हुए उसको छान कर गुनगुना सा हो चाय की तरह आप उसको पी लीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है डिप्रेशन के प्रॉब्लम में भी, और जिनको नींद नहीं आती, नेगेटिविटी रहते, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये विशुद्ध आयुर्वेद की मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जड़ी बूटी फॉर्म में आप इनका प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा। और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आप बैठ जाएं, अपने हाथों को नीचे ले आएं, आंखें बंद करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ आप ध्यान को केंद्रित करें, दोनों आईब्रो के मध्य है जहाँ तिलक लगाते हैं, और बैठे रहें। बस गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर रखें, धीरे धीरे सहज भाव से, तो आपका डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप इसका अभ्यास करेंगे, ऐसे आशा करता हूँ आप सभी से, आपके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद हो। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी के जीवन में खुशियाँ हो, तनाव रहित जीवन हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो आप सभी के जीवन में, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।